नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक एंड एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे सैमसंग के तीन लेटेस्ट 20,000 के नीचे कौन कौन से स्मार्टफोन हैं जो आपको हर तरह की परफॉर्मेंस दे सकते हैं। एक ब्रांड वैल्यू सैमसंग ने अपनी बना के रखी है। आज हमारे पास बहुत सारे अच्छे फ़ोन हैं, बाकी रेडमी है, ओप्पो, शाओमी, वीवो, पोको और वन प्लस, ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने बड़े अच्छे अच्छे फ़ोन लॉन्च किए हैं। लेकिन जब सैमसंग की बारी आती है तो सबसे बड़ी एक चीज़ आती है कि ड्यूरेबिलिटी। सैमसंग का फ़ोन है, 3 साल चलाओ, 4 साल चलाओ, 5 साल चलाओ, जैसे नया लिया था वैसे ही है। अभी मैं अगर बात करूं अपने एक्सपीरियंस की, तो मेरे पास सैमसंग का A7 गैलेक्सी का फ़ोन है, मैंने 2018 में लिया था और आज मुझे लगभग इसको लिए हुए 3 साल तो हो ही चुके हैं। 3 साल से इसकी जो परफॉर्मेंस है उसमें मैं ये नहीं कह सकता कि 5% की भी गिरावट आई है। जैसी स्क्रीन पहले दिन थी वैसी आज है, जैसा कैमरा पहले दिन था वैसा ही आज है, जैसी वॉइस, जैसा प्रोसेसर पहले दिन था वैसा ही आज है। ये चीज़ देख के बड़ा अच्छा लगता है कि आपने पैसा खर्च किया और आपको 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल तक इतनी अच्छी ड्यूरेबिलिटी मिल रही है। इसलिए कहते हैं कि सैमसंग का जो ब्रांड है ये अपने आप में नंबर वन है। आज हम बात करते हैं सैमसंग के तीन फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स की, सिर्फ 20,000 के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छी बैटरी बैकअप, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और अच्छे कैमरा सेटअप के साथ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आप ये देखना चाहते हो कि 15,000 के अंदर अंदर कौन कौन से फ़ोन है तो उसकी भी वीडियो हमने पहले बनाई है, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं सैमसंग M31S की। इसमें दो वेरिएंट है, एक 6GB है और एक 8GB है। अगर 6GB की वेरियंट की बात करें और 8GB की वेरियंट की बात करें तो उसमें सिर्फ रैम का फ़र्क है, स्पीड का फ़र्क है, बाकी चीज़ें सब सेम है। लाइक जैसे कि 6.5 इंच की स्क्रीन है, सुपर एमोलेड स्क्रीन, 90Hz की रिफ्रेश रेट के साथ, बहुत अच्छी रिफ्रेश रेट है। मतलब आपको गेमिंग करनी है या आपको कोई आईटी का काम करना है, कुछ भी करना है, ये फ़ोन मस्त चलेगा। दूसरी, इसकी जो बैटरी है 6000mAh की है और 25W का इसका टाइप सी सुपर स्पीड चार्जर है, ये अपने आप में सबसे बेस्ट है। 9611 का प्रोसेसर है, 2.5GHz की इसकी स्पीड है, प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा है और गोरिल्ला ग्लास 3 की इसकी जो डिस्प्ले प्रोटेक्शन है ये भी बहुत अच्छी है। मतलब अगर गलती से फ़ोन कहीं अगर गिर भी जाए तो एकदम से टूटेगा नहीं जैसे बाकी सारे फ़ोन टूट जाते हैं। दो कलर्स में ये फ़ोन हमारे आते हैं। सबसे पहला कलर तो एक तो ब्लैक है और एक ब्लू है। 64MP का रियर कैमरा विद रियर फ्लैश, फिंगरप्रिंट स्कैनर भी इसके साथ है और 32MP का फ्रंट कैमरा है, सेल्फी कैमरा। मतलब अगर 32MP के कैमरे की बात करें तो आगे वाला कैमरा भी फुल HD वीडियो को बड़े आराम से रिकॉर्ड कर सकता है, 4K रिकॉर्डिंग, 4K वीडियोस, 4K 8K वीडियोस आप इस स्क्रीन में देख सकते हो। अगर आप 6GB का वेरिएंट लेते हो तो वो है 18,500 की रेंज में, अगर आप 8GB वेरिएंट लेते हो तो वो है 20,500 की रेंज में। मतलब 2,000 रुपये का फ़र्क है। गेमिंग वगैरह ज़्यादा खेलनी है या कोई ऐसा ज़्यादा काम करना है जिसमें आप मल्टीपल बहुत सारी विंडोज चलाते हो तो आप 8GB प्रेफर कर लो। नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों जो फ़ोन है ये है सैमसंग गैलेक्सी A32। ब्लैक कलर का फ़ोन है और सिर्फ 150 ग्राम का इसका वेट है, लेस वेट है। इसका जो प्रोसेसर है हीलियो 82 है और इसमें 2.4GHz की स्पीड भी है प्रोसेसर की। 5000mAh की बैटरी है, बैटरी बैकअप अच्छा है, 15W का इसका चार्जर है, 6GB और 128GB की इसमें मेमोरी है, 6GB रैम काफ़ी अच्छी स्पीड के साथ, 128GB आप एक्सपेंड भी कर सकते हो 512 का आप अगर मेमोरी कार्ड आपने लगाना है। ड्यूल सिम 4G+4G, 4G LTE जो न्यू वर्जन है वो चलता है, सुपर स्पीड है इसकी। 64MP का इसका रियर कैमरा है और 20MP का इसका फ्रंट कैमरा है। साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर भी है और ब्लैक कलर का ये जो फ़ोन है ये बहुत ही शानदार लगता है, स्लिम है, लेस वेट है और इसका जो प्राइस है वो है 20,500 रुपये। बाकी अगर आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे वहाँ पे जाओगे तो प्राइस ये जो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, कभी 500 कम, कभी 500 ज़्यादा, तो हो सकता है आप जब ये वीडियो देखें तो प्राइस थोड़ा सा इसका बढ़ चुका हो या कम हो चुका हो। तीसरे और लास्ट नंबर पर हमारे पास जो फ़ोन है ये है सैमसंग का गैलेक्सी M51। बहुत अच्छा फ़ोन है, सुपर स्पीड का ये फ़ोन है, स्नैपड्रैगन 730 का, एंड्रॉयड 10 वर्जन है इसका और इसकी जो स्क्रीन है 6.7 इंच की है, स्क्रीन में बहुत बड़ा है ये, 90Hz की रिफ्रेश रेट और सुपर एमोलेड स्क्रीन है इसकी। 8GB और 6GB का इसमें वेरिएंट है, 8GB रैम का अलग है, 6GB रैम का अलग है। 64MP का इसका रियर कैमरा है और 32MP का इसका फ्रंट कैमरा है। 7000mAh की बैटरी है इसकी, बैटरी बैकअप भी इसका बहुत ज़्यादा है आम फोन से और 25W का सुपर स्पीड टाइप सी चार्जर भी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो हम आपको दोबारा मिलेंगे, दोबारा
आपके सामने एक नई वीडियो लेके आएंगे। अगली वीडियो आप कौन सी देखना चाहते हो आप ये भी बता सकते हो। हमारा ये नया चैनल है, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको वो चीज़ें दें जो आपकी रिक्वायरमेंट है आपके लिए, हर टेक्निकल हर स्पेसिफिकेशन को अच्छे से मेजर करके। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, बहुत अच्छा लगा आपसे दोबारा मिलके। अब जल्दी मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।